हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइड में। आज की इस वीडियो में आपको द लॉस्ट चाइल्ड जो कि मुल्क राज आनंद जी ने लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि वसंत ऋतु का मेला लगा होता है और हर बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ गांव से निकलकर मेले घूमने जा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग संसाधन से, कोई बैलगाड़ी से, कोई किसी से आ रहा है मेले में घूमने के लिए। उसी में दोस्तों छोटा सा बच्चा है, वह भी जो है अपने माता पिता के साथ चलकर जा रहा है। वह जो है दौड़ रहा है, क्योंकि छोटा है तो भाई पैर छोटे से दौड़ना पड़ता है बच्चों को, तो दौड़ रहा है। माता पिता उसके अगल बगल हैं, वह बीच में हैं और वह चल रहा है। बहुत ज़्यादा खुश है वह, बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित है, एक्साइटेड है वह। एक्साइटेड बोलते हैं उत्तेजित को। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ यूँ यार कि जो उसके पेशेंट कह रहा हूँ, जो उसके पेरेंट्स हैं ना, वो हर चीज़ में ना ना बोलते हैं। जैसे कि यार अक्सर आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि आप जाते हुए कभी मार्केट में पापा मम्मी के साथ, लेकिन पापा कहते हैं नहीं, मेले वाले सामान नहीं खरीदने चाहिए, नहीं ये बेकार होता है, वो बेकार होता है, सब कुछ बेकार होता है मेले में, तो कुछ भी नहीं खरीदते, कुछ भी नहीं खरीदते। मेरे साथ तो यही हुआ यार, इन्जॉय नहीं कर पाया, मतलब कुछ भी नहीं खरीदते। तो वही चीज़ इस बच्चे के साथ भी हुआ था। जब बच्चा जो है वह खिलौने की दुकान पर पहुंचा, तो उसका ध्यान जो है बहुत सारे खिलौनों पर भी गया और वो वहाँ पर कुछ देर रुका भी। उसके माता पिता ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने जो है कहा, मतलब माता पिता की बातें मान ली, और लेकिन उसकी आंखें जो थी दोस्तों चलते चलते वह खिलौनों की तरफ देख ही रहा था। खिलौनों पर ही उसकी आंखें जो है लगी हुई थी, अटकी हुई थी। लेकिन वह जानता था कि उसके पिता जो है वह खिलौने नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वह पहले भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है कि भाई बोलो तो नहीं खरीदते, तो आप क्या खरीदेंगे। और फिर क्या होता है कि वह अपने एक खिलौने के खरीदने के लिए जो है वह इच्छा बताता है अपने माता पिता से कि भाई मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन उसके पिता ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा और एक फिर क्या मतलब नहीं खरीदा। फिर क्या होता है दोस्तों कि वह सरसों के खेत देखता है। दूर दूर तक सरसों का खेत फैला हुआ था। खेतों में कीट पतंगे और तितलियां जो थीं वह सब घूम रही थी। बच्चे जो है दोस्तों चारों ओर फैले हुए जो है ना उस बहुत ही सुंदर माहौल में खेल रहे थे, एकदम खुल घुले हुए थे, उसी में सम्मोहित थे। और जो बच्चा है यह जो बच्चा है यहाँ पर चाइल्ड जो है, यह अभी इसी में खो गया था, एकदम यह भी इसी में प्रकृति में खो गया था। और खिलौनों की जो डिमांड थी वो भी भूल गया कि अच्छा मुझे खिलौने भी चाहिए था क्या। मतलब देखो बच्चे कितने जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, मतलब मन इनका चंचल होता है, कभी इधर तो कभी उधर होता है इनका मन। फिर क्या होता है दोस्तों कि और भी बहुत सारी चीज़ें थी उस मेले में, मिठाइयाँ थी, बर्फी थी, गुब्बारे थे, मलाई थे, बहुत कुछ था, और बच्चे का मन जो है इन सभी चीज़ों को खाने के लिए ललच रहा था। लेकिन वो जानता था कि भाई उसके माता पिता इन सभी चीज़ों को दिलाने से मना कर देंगे, वो ना बोल देंगे। और फिर क्या होता है दोस्तों कि एक सपेरा था जो कि सांप के सामने जो है बांसुरी बजा रहा था, और जो सांप है वो टोकरी पर जो कुंडली मारकर दोस्तों बैठा हुआ था। कुंडली मतलब घूम घूम के बैठा रहता है। जो बच्चा है वो सांप को जो है नज़दीक से देखना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अपने साथ ले चले गए, कहा नहीं नहीं नहीं, मतलब मना कर दिया और अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर क्या होता है दोस्तों कि एक झूले के पास जो है वो देखता है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, जहाँ सभी उम्र के लोग, हर कोई जो है वह गोल गोल घूम रहा था। मैंने भी देखा यार, वो लोग गोल गोल घूमते ना, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, गोल गोल घूमता है। लोग उसमें हंस रहे थे, लोग उसमें बहुत ज़्यादा खुश थे, इंजॉय कर रहे थे। झूले पर जो लोग थे वह हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, उसका आनंद उठा रहे थे। उसने भी अपने माता पिता से कहा कि वे इसे झूलना चाहता है, उसकी अनुमति दे दे। लेकिन दोस्तों इस वक्त क्या होता है कि वह उसे कोई जवाब नहीं मिलता। हर बार तो उसे जवाब ना 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 मिलता था, लेकिन इस बार उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। और उसने जब घूम कर पीछे देखा तो माता पिता थे ही नहीं, उसे उसके माता पिता नजर आए ही नहीं। और उसने अपने चारों तरफ देखा, सामने देखा, दोनों तरफ देखा, आगे पीछे हर जगह खोजा, लेकिन उसे कहीं भी अपने माता पिता नहीं दिखाई दिए। बच्चे को माँ नहीं मिल रही थी, पिता नहीं मिल रहे थे, और ख़ासकर माँ से ज़्यादा लगा होता है, तो उसने माँ को न मिलने से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। वह हर जगह एक दूसरी जगह पर खोजने लगा, वह रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते दौड़ रहा था, उसी बीच में रो भी रहा था। वो छोटा बच्चा था तो लोग जो हैं, भीड़ थी मेले में, तो वह लोगों के बीच में से दौड़ते हुए जा रहा था, लोगों के पैरों के बीच से वह दौड़ रहा था। और फिर क्या, वह एक मंदिर के पास आता है, वहीं पर वह रुकता है और वहीं पर वह रो रहा होता है, मम्मी पापा कर रहा होता है। फिर क्या होता है कि एक अजनबी आदमी आता है,
उसे देखता है रोते हुए, तो उसे उठाता है और उसे जो अपने हाथ पर लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करता है जिससे वह जान सके कि भाई क्या है, कौन है, कैसे खो गया, लेकिन वह कुछ जान नहीं पाता है। फिर जो आदमी था वो सोचा कि भाई चलो बच्चों को पहले शांत करा लेते हैं, तो शांत कराने के लिए उसने बोला कि झूला झूलोगे, तो बच्चा बोला नहीं। आदमी ने पूछा अच्छा जादूगर देखोगे, जादू देखोगे, कहा नहीं। घोड़े के पास चलोगे, नहीं। मिठाई खाओगे, नहीं। गुब्बारे चाहिए, नहीं। फूल चाहिए, नहीं। हर दुकान पर ले गया लेकिन उसने बोला नहीं नहीं नहीं, बच्चे को कुछ नहीं चाहिए था, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता चाहिए था। यहाँ पर देखिए बच्चे को शुरुआत में यही सभी चीज़ें चाहिए था, वो अपने माता पिता से मांग रहा था, लेकिन इस वक्त उसे यह सभी चीज़ें नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता चाहिए, क्योंकि वह इस वक्त अपने माता पिता को खो दिया है। वह किसी भी चीज़ में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे अपने माता पिता चाहिए। उसके लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ वही लोग इम्पोर्टेंट हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों यह था चैप्टर हमारा द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्कराज आनंद जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। स्ट्रेंजर का मतलब था दोस्तों अजनबी आदमी जो कि मिल गया। दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना, आपके कमेंट पढ़ता हूँ। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब मारो यार, बाकी सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ देखो, प्लेलिस्ट को चेक करो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।